अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर 2 बजे से। अभी मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े थे थोड़े से वॉश करने वाले। मैंने सोचा आज इनको हम वॉश कर लेते हैं। और आज हमने जाना है दावत पे मेरी कज़न के घर। मैंने आपको पहले बताया था ना प्रीवियस ब्लॉग में कि मैंने उनके बच्चों की शॉपिंग की हुई है, वो भी आपको दिखाती हूँ। और साथ मैंने उनका कम्फर्टर सेट भी मंगवा लिया जो मैंने आपको बताया था ना अबहा से मंगवा लूँगी। तो वो बस जिस रात हम शॉपिंग करने गए ना उसी रात हमने भाई को फ़ोन किया, वो कहते नहीं सुबह ही मैं लेके तो यहाँ से जो भी ट्रेला आ रहा होगा ना उस पर रखवा दूंगा। तो उन्होंने सुबह लिया है और रात को ट्रेला पहुंचा। आप यकीन करें रात 3 बजे हम वहां से सामान लेके आए, अपना साथ हमारे मैंगो आए हैं, साथ वो कम्फर्टर सेट आया। और हमारी सहरी इतनी लेट हो गई थी ना भागम भाग में, थोड़ी सी हमने रोटी खाई है, थोड़ा सा पानी पिया और बस अजान का टाइम हो गया था। और आप यकीन करें आज मुझे इतनी प्यास लगी हुई है ना क्योंकि आज सही तरह पानी भी नहीं पिया गया और इतना लेट हो गए थे हम लोग, सही खाना भी नहीं खाया। भूख से मुझे इतना कोई मसला नहीं होता लेकिन आज मुझे प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी, मेरा बोलने का भी दिल नहीं कर रहा था। बस मैं चुपचाप अपने छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी। और ये शॉपिंग है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने एक जैसे दोनों के ड्रेसेस लिए हैं। मेरी बहन के 2 बेटे हैं और 1 बेटी, तो ये छोटे बेटे के लिए मैंने 2 ड्रेस लिए हैं, बड़े बेटे के लिए भी सेम उसी तरह के थोड़े बड़े साइज में ले लिए और सेम वही ड्रेस है जो छोटे की हैं, यानी उनकी मैंने ट्विनिंग की है। 2 सूट लिए हैं मैंने उनके, और उनकी बेटी के लिए भी मैंने 2 लॉन्ग मैक्सीज ली हैं, वो भी बहुत प्यारी हैं। ये देखें एक ये वाली है, का साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया था। लेकिन इस तरह का स्टफ ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, जो आपको फुल स्लीव चाहिए होता है, सी थ्रू ना हो, लेंथ वगैरह अच्छी हो, इस तरह के कपड़े ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पे ज्यादा स्लीवलेस और शॉर्ट कपड़े ही मिलते हैं, तो इस तरह के कपड़े ढूंढने में काफी टाइम लगता है। कल मैं भी 2 मिनट में लड़कों की शॉपिंग करके फिर पूरा 2 घंटे में हरीम की शॉपिंग के लिए ख्वार हुई थी। अच्छा, ये मैंने बच्चों के ड्रेसेस इसीलिए लिए हैं क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, उनके टॉयज वगैरह के साथ खेलने वाले नहीं है, तो मैंने सोचा वो चीज़ लेती हूँ जो उनके काम आ जाए। तो ये मैंने कपड़े उनके ले लिए थे। और ये वाला कम्फर्टर सेट है जो मैंने अपनी कज़न के लिए मंगवाया, ये सेम मेरे जैसा ही है लेकिन इसका थोड़ा सा डिज़ाइन प्रिंट जो है ना वो डिफरेंट है। मैंने भाई से कहा था सेम मेरे जैसा अगर मिल जाए तो वही भेज देना वरना जो आपको सही लगे। मेरे जैसा नहीं मिला तो उन्होंने ये वाला भेज दिया, लेकिन ये भी माशाल्लाह इतना प्यारा है, इतना क्यूट सा। इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऊपर पिक्चर में दिखा रही हूँ ना, कुशन भी हैं, पिलो भी, बेडशीट और ऊपर जो है ना वो कम्फर्टर भी। अच्छा, साथ हम लोग ये मैंगो भी लेके जाएंगे। हमारे पास ना लास्ट टाइम भी अबहा से मैंगो आए थे, हमारे फ्रेंड हैं वो हमें ये मैंगो भेजते हैं। तो इन लोगों को जब हमने खिलाए हैं ना, जब हमारे घर पे ये दावत के लिए आए हुए थे, इनको इतने पसंद आए, फिर हमने एक पूरा कॉटन इनके लिए भी पैक किया हुआ था, वो भी इनको साथ दिया था। और आज फिर हमारे मैंगो आए हैं तो मैंने सोचा कि एक कॉटन हम उनके लिए और ले जाते हैं। और आप यकीन करें ये इतने मीठे मैंगो हैं, देखने में थोड़े ग्रीन ग्रीन और कच्चे कच्चे लगते हैं लेकिन अंदर से पके हुए इतने मीठे हैं ना, बस मजा आ जाता है। अच्छा, अभी मैंने बच्चों के भी कपड़े निकाल लिए थे और अपने भी, इनके मैं टैग्स वगैरह भी रिमूव कर दूंगी। ये बिलाल और मोसना दोनों की शर्ट्स हैं रेड टैग की, और पैंट्स जो हैं इनके लिए मैंने ली थी यहाँ रहीक सबाया और 23 मॉल होता है ना, 23 हरम, या पता नहीं पहले उसका नाम 20 हरम ही था, अभी 23 की उसमें चीज़ मिलती है, वही वाला जो येलो वाले बोर्ड के साथ होता है, वहां से ये मैंने इनकी पैंट्स ली थी। और आप यकीन करें रहीक सबाया और 23 और फाइन लुक, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं।
अभी मैंने बच्चों को भी नहला दिया है, खुद भी फ्रेश होके असर की नमाज पढ़ ली है और साथ आपके भाई के कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ। इतनी देर में मेरे बाल भी ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह चेंज वगैरह करके बच्चों को भी रेडी कर लूंगी। अच्छा, मैं ना नहाने के फौरन बाद ही अपने नए कपड़े नहीं पहनती, मैं नॉर्मल से कोई कपड़े पहन लेती हूँ, फिर जब बाल ड्राई हो जाए उसके बाद फिर मैं अपने नए कपड़े पहनती हूँ। तो पहले मैंने निकाला था ब्लैक वाला ड्रेस, लेकिन फिर बाद में मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने ये मरून ड्रेस निकाल लिया था। झूठे पहले तरह करो गाइस, 2 पौने 500 आप आ लो ना, इतने सोने कपड़े वाला नहीं नहीं तो पा के तुसी बस ओ ही होना आवाजार नहीं मैं बता था। चलो शुक्रन, मैं रख लेने देने कोई नहीं, शुक्रन नहीं रख लिया से पहले हो गया वापस वापस डील कैंसिल। मेरे ख्याल में आपकी इतनी दहशत होनी चाहिए कि अगर आपने अपने हस्बैंड का कोई काम करके रखा हुआ है ना और वो आगे उसमें कीड़े निकालें या कोई और फरमाइश करें उल्टी उल्टी सी, तो उनको पता हो अगर मैंने ऐसे किया तो इसने मेरे साथ रोला डाल लेना है, तो वो बेचारे पहले ही कोई इंतजाम करके आए आपको चुप करवाने का। ये भी ऐसे ही है, पहले मुझे 500 रियाल निकाल के दिखा रहे थे कि ये देखो 500 ले लो, मुझे तो पहन लेने दो। मैंने कहा मेरी तरफ से पहनो ना पहनो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे 500 रियाल दे दो बस। अच्छा, अभी मैं रेडी हो गई थी और एंड पे मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ, क्योंकि अगर पहले पहन लूँ तो वो फिर बालों में और हर चीज़ में अटकती रहती हैं, तो इसलिए बिल्कुल एंड पे रेडी होने के बाद मैं ये ज्वेलरी पहनती हूँ। और ये वाली मैंने चप्पल रहीक सबाया से ली थी 50 रियाल में शायद, और ये इतनी खूबसूरत लगती है पाँव में पहनी हुई, इतनी ग्रेसफुल है, मेरा दिल करता है मैं इस तरह की एक और ले आऊँ, जब ये टूट जाएगी तो फिर मैं वो पहन लूँगी। अच्छा, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई और एंड पे मैं परफ्यूम लगाती हूँ। ये वाला परफ्यूम है मेरे पास, ये मैंने माजिद ऊद से लिया था, और आप भी यकीन करें अगर ये लेंगी ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आपने परफ्यूम इन्वेस्ट करना तो ये वाला बहुत अच्छा है। और मैं हर व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि चीज़ों के साथ साथ उनकी डिटेल और रिव्यू भी आपको शेयर कर दूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना कि बार बार मुझे पूछा जाता है लोकेशन शेयर कर दें, हमें डिटेल शेयर कर दें, हमें कंपनी नेम शेयर कर दें। तो आप ना प्लीज़ थोड़ा सा गौर से व्लॉग को देखा करें, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं हर बात आपको बहुत डिटेल से बता देती हूँ और हर चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, अभी मैंने मुस्ना के बाल वगैरह एंड पे बनाए हैं, क्योंकि अगर पहले बना के रख दो तो ये चिड़िया का घोंसला कर देती है, इसने सारे बाल बखेर लेने होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल एंड पे मैं मुस्ना के बाल बनाती हूँ। और ये रही मेरी फाइनल लुक, ये मैंने ओपन अबाया पहना था और ये वाला मैंने ब्लैक कलर का हैंड बैग लिया था साथ। और जैसे ही अल्लाह के हुक्म से हम लोग बाहर निकले ना, हमारे आगे भी गाड़ियां लगी हुई और पीछे भी, हमारी गाड़ियां दोनों सेंटर में फंस चुकी थी और हमें इतना गुस्सा इस टाइम आ रहा था ना, ऊपर से हम लेट हो रही हैं और थोड़ा सा टाइम रह गया इफ्तारी में, और यहाँ पे हमने इतनी मुश्किल से फिर मेरी गाड़ी निकाली, क्योंकि बिलाल की बाबा की गाड़ी निकालने का कोई चांस ही नहीं था, वो बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई थी और आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ियां थी, और फिर मेरी गाड़ी थोड़ी थोड़ी दाएं बाएं कर करके हमने निकाली है और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुंचे थे। अच्छा, ये मेरी बहन ने सारी इफ्तारी अरेंज की हुई थी और इतना मजा आया हमें वहां बैठ के, इतना मजा आया बातें करके, फिर हमने सारी शॉपिंग और इधर उधर की सारी चीजें एक दूसरे को दिखानी होती है। वो जब मेरी तरफ आए थे ना, मैंने भी इसी तरह सारी चीजें अपनी बहन के साथ बैठ के ऐसे कपड़े बखेर हर चीज निकाल निकाल के, ये भी देखो ये भी ये भी, तो वो भी जब मैं गई हूँ तो फिर हम सारा कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं दिखाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग पार्क आ गए थे और यहाँ हमारे बच्चों ने ये स्कूटीज वगैरह ली थी और फिर ये बच्चे भी खेल रहे थे और हम लोग भी बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, जैसे हमारे बच्चों के बैट है ना, आप यकीन करें बच्चों से ज्यादा उनपे हम लोग इंजॉय करते हैं, उनके टॉयज है ना तो उनसे ज्यादा हम लोग खेलते हैं, पता नहीं हमारा बचपना क्यों नहीं रहा हमारे अंदर से, पहले बच्चों ने चलाई फिर उसके बाद हम लोगों ने। गाइस, ये हम चला रहे हैं स्कूटी, ये स्कूटी है ना, बाइका बोलते हैं ना, रक्षा। गाइस, रक्षा चल रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं। जल्ला जल्ला मजा आया आपको पार्लर के घर आके, मजा आया? हां जी, कहते हैं आज की गलत बेचना। ये टॉयज के लिए आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स थे, मुझे पूछ रहे थे कहाँ से लिए हैं, डिटेल बता दें, लोकेशन बता दें, इतने लोगों को मैंने कमेंट्स में बता भी दिया है, लेकिन फिर भी इतने सारे कमेंट अभी हैं जिनको रिप्लाई करना है,
तो मैंने सोचा मैं दोबारा से व्लॉग में आपको दिखा देती हूँ। ये इनके बॉक्स हैं, आप सही तरह देख लें, इन पे डिटेल भी लिखी हुई है, चेक कर लें। और ये हमने 69.95 आई थिंक यानी 70 रियाल का एक लिया था। कार रेसिंग गेम है और ये 3+ बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमें ये USBs भी मिली थी और ये हमने लिया था एग्जिट 20 अजीजिया में, बासिम मॉल है। एग्जिट 20 पे जब आप लोग जाएंगे ना, वहां पे बासिम मॉल आपको सामने नजर आएगा। ये मैं उसकी पिक्चर भी बना के लाई हूँ, ये देखें। इस मॉल से हम लोगों ने ये टॉयज लिए थे और आप भी वहां से जाके ले सकते हैं। ये 3+ बच्चों के यूज के लिए हैं, ये उससे छोटे बच्चे यूज नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे हैं अगर आपके बच्चों को मोबाइल एडिक्शन है, टीवी ज्यादा देखते हैं, तो इस तरह की गेम्स लेके देना बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े खुश होकर खेलते हैं। और जी आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।